कह रही हो सब शहर ज्यादा है, गांव में इन्वेस्टमेंट उस शहर में बड़ी कमी हो गई है। नहीं गांव शुरुआत ये तो है जी, अब गांव में रुक जाता है, गांव में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, अभी इस तरह कौन की व्यवस्था करिए कि आप उसको सफाई सब दीजिए जिससे गाँव में रोजगार बनेगा। इससे आगे आप कृषि क्षेत्र में उत्पादन कृषि में देखिए बिल्कुल सही बात, वहां तो रुकेगा। सरसों वहां जाने के लिए एक बार मंडी गई, एक यहाँ लोडिंग हुआ, वहां लोडिंग हुआ उसकी बेचते है, फिर बिका, फिर दूसरी लोडिंग, फिर लोडिंग हुआ। हम तो कहते हैं देखो क्या किया है सरकार ने, तो किया गांव स्वराज की कल्पना क्या है, गांव का नाई, गांव का तेली, गांव का धोबी, गांव का किसान, ये किसने खत्म किए, ये सरकार की नीतियों ने खत्म किए। पहले हमारा चना आएगा वो शहर जाएगा, वहां तक बढ़िया पैकेट में भुन भुना के वो 100 रुपए किलो से गांव में ही आकर मिल जाएगा। पहले गांव का बड़भुजा था वो तो चना बनता था, गांव का तेली था वो तेल निकालता था, उससे जो है सबको तेल मिलता था, उसको पैसे मिलते थे। आई कंपनियों का दो ड्रॉपसी का प्रोपेगेंडा किसने खड़ा किया, मीडिया और भारत सरकार में, विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, मलेशिया से सारा तेल डंप कर दिया हिंदुस्तान में पाम ऑयल, हमारा पलसिन का किसान, इसका तिलहन का किसान तो भारत सरकार की नीतियों से ही मरा। कितने लंबे समय तक ड्यूटी जीरो चलती रही पाम ऑयल पे और दूसरे, आपके लिए नहीं कह रहे, वर्तमान में स्थिति सुधरी है सरकार में, शुगर पे एम पे सब पे ड्यूटी अच्छी लगाई गई है, लेकिन जब देश के मतलब नीति निर्धारक उनके परिवार के परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।